अस्सलाम वालेकुम व व रहमतुल्लाहि बरकातहू ऑन बरकता फार्मिंग टिप्स अब तो सलामान आपको खुश आमदीद कहता है जी ए, क्या हाल चाल है कैसे हैं ठीक हैं आज जो हमारा ुमान चल रहा है वो चल रहा है जी गोभी इसको जो हमने लगाया था आ, हमने इसको लगाया था नौवें की तकरीब दस के ऊपर नीचे अभी ये चालीस दिन की फसल जो है ना हो चुकी है और मुमकिन तौर पर एक माह तक इसकी हारवेस्ट तकरीबन हो जाएगी सत्तर से पचहत्तर पचहत्तर दिन की वैराइटी है आ, तो थोड़ा सा इसका आ, डिटेल मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ इस रकबे में पहले इसमें खीरा काश था खीरे से पहले पहले हमने इसको जो है ना सरसों की काश थी सरसों के ये बीज भी उगे हुए हैं तो माशा फ़सल की सूरतआल आपके सामने है बहुत अच्छी फसल है इस पर जो है ना हम दो सप्रे कर चुके हैं तकरीबन बल्कि तीन कर चुके हैं तीन सप्रे इस पर हो चुके हैं जिसमेंटन ल्यूफ्रन प्लस लेमडा वगैरह ये हमने इसमें स्प्रे करवाए हैं और इस पर खाद जो मिली है वो एक पूरे डी एक पूरे नेट्रोफास एक पूरी यूरिया और एक पूरी ज़बरदस्त यूरिया इसको दे चुके हैं ये इस पर खाद प्लान किया हुआ है हमने Uh, अभी जो सूरत हाल है इस पर मिट्टी जो है ना हमने दो मरतबा इसका हमने घास निकलवा लिया है पौधों की तादाद माशा गर्मी में लगाई थी क्योंकि जनूबी पंजाब में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो पौधों की तादाद माशा पूरी है मिट्टी हम इसको एक मरतबा लगा सकें अभी इन शाह कल से हम बारिश हो गई थी दूसरे मरतबा इसको लग जानी थी मिट्टी क्योंकि गोभी जो है ना गोभी वो uh, मिट्टी लगाने का नाम ही है आमतौर तौर पर आ, कहीं कहीं जगह पे किसी के थोड़े बहुत नागे आ गए हैं जिस तरह वो एक खेल थोड़ी सी थोड़े से नागे आए हैं उस जगह पर तो बाकी ओवरऑल फील्ड माशाल्लाह बहुत अच्छा खड़ा है इस स्टेज पे जो एहतियात करने की ज़रूरत है आ, एक तो मिट्टी या अगर आप नहीं लगाएंगे आ, तो आपके पौधे गिर सकते हैं इसको भी थोड़ी बहुत मिट्टी लगाने की ये देखें ज़रूरत है ये देखें यहाँ पर ये डंडी नज़र आ रही है यहाँ पर मिट्टी इसको मिलनी चाहिए तो सुंडी यहाँ से ही आपने कंट्रोल करनी है इसी स्टेज पर आ, तो गोभी की फसल जो है ना ये एक कम खर्च और ज़्यादा पैदावार देने वाली फसल है क्योंकि अब अगर आप इंसेक्ट नेट लगा रहे होते हैं या खीरा लगा रहे होते हैं तो उसमें जाल भी लगा रहा होता है उसमें और भी फनी स्प्रे हो रहे होते हैं तो इसमें इतने मसाइल नहीं आ रहे होते तो इन शाल दिन ब दिन ये फसल बढ़ेगी अब नेक्स्ट हमारा जो प्लान चल रहा है इसका इसको कैल्शियम नाइट्रेट प्लस नाइट्रोफास देंगे या हम इसको एक से दो दिन में जैसे इसको मटी लगा लेंगे फिर फैसला करेंगे या हम इसको अगर वो ना दी तो हम इसको यूरिया प्लस पोटास दे रहे होंगे और स्प्रे जो है ना हमने इस पर अभी थोड़ा सा तोज्जो देनी है क्योंकि हमारी फसल माशा भी फल जो है ना वो रेडी होने की बिल्कुल समझे कि एक माह का सारी गेम रह गई है तो हम इसको जो स्प्रे कर रहे होंगे वो कीड़े का आ, हर दो से तीन दिन बाद इसको देख रहे होंगे कि स्प्रे इस पर कौन सा करना है ल्यूफ्रा मेटल मिला कर, कर रहे होंगे या उसके साथ लेमडा भी ऐड करेंगे फल आर्मी वर्म के लिए तो क्रॉप की ये देखिए माशाल्लाह सूर्त हाल है आ, इसके अलावा हमारी पहले मैं गोभी नहीं लगाया करता था जब जो है ना इसको देखा है कि ये एक अच्छी फसल है तो दूसरी जानब वहाँ पर और इसके अलावा दो एकड़ मेरे दूसरे फार्म पे भी हैं बल्कि हाँ दो एकड़ वहाँ पर, कि पर भी लगी हुई है आगे पीछे करके इसके अलावा वहाँ पर एक भी लगी हुई है ये यही सेम सेगमेंट है मेरे पास पाँच एकड़ सेम सेगमेंट के लगे हुए हैं वहाँ पर मेरी एक एकड़ बंद गोभी लगी हुई है यहाँ पर फिर ही हमारी तकरीबन एक दिन वाली वरायटी लगी हुई है तो अगर आप इसको आगे पीछे करके लगाएंगे मुख्तलिफ़रायटीज़ लगाएंगे तो आपका कोई ऐसा छक्का लग जाता है फसल में आपका ऐसा कोई लग जाता है कि तीनों जो आप तीन सेगमेंट लगा रहे होते हैं उसमें से आपको वो पैदावार जो है ना ज्यादा अब वैरायटी बताना चाहता हूँ है जो है ना हमने लगाई हुई है इनोवा और उसके साथ रसीद की है तैयार पनीर ली थी हमने थोड़ी सी महंगी तो जरूर मिली थी साढ़े तीन रुपये का प्लान मिला था और उसके अलावा कोहनूर भी है तो ये दोनों ऐड हैं ये हमने सिंध से मंगवाई थी मुगल ट्रेडर से तो माशा अभी तक हम इसे बहुत ज़्यादा मुतमिन है और मुमकिन तौर पर जब ये हमारे पास आएगी तो उन्हीं दिनों में सबका सालों की जो हमने प्रैक्टिस देखी है रूटीन देखी है तो बहुत अच्छा रेट रहा है आ, कहीं कहीं पर इसको लश्कर का अटैक भी आया है ये देख लें या अब भी हो सकता है देखते हैं इसको ये आया है बारिश की वजह से ये लश्करी का अटैक है तो सुनी कोई पे पहचान आपको बताता हूँ ये अब लश्करी की निशानी है लश्कर की सूरत में होती है ये देखें ये देखें ठीक है तो इन कल हम इस पे लश्करी के लिए जो सबसे अच्छा और फ़ायदेमंद स्प्रे है वो है ल्यू फेनोरान मैच की सूरत में से एजेंडा दे रही है ल्यू फिर के नाम से काफ़ी सारी कंपनियां भी दे रही होती हैं तो ये इनशाला ती जो है ना हम कल ही कल इस पेलस्क्री के साथ एमोवेक्टन जरूर ऐड करेंगे क्योंकि एमवेटन अमेरिकन संडी है साथ में अगर जरूरत पड़ी तो लैमडा वगैरह भी ऐड कर रहे होंगे इन शी तो यहाँ पर भी है आगे चल कर देख रहा हूँ तो मुझे दूसरे जगह पर भी नज़र आ रहा है इसका थोड़ा बहुत अटैक बारिश में क्योंकि संडी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है तो मुमकिन तौर पर यहां पर नहीं है आ, इसके अलावा एक और पौधा मैं देख रहा हूँ वहां पर चेक करता हूँ कि वहां पर है या नहीं है ये यह। यहां पर इस पर पहले अटैक आया था अब नहीं है फिर भी हम इस पर सफरे इनशा तला करवा रहे होंगे इनशाला पूरी कोशिश होगी हम जो है ना हमारा जो तैयार फसल है हम इसको अब सुंडी को पहचान ये है कि लश्करी जो है ना वो लश्कर की सूरत में होती है और जो अमेरिकन होती है उसको ऐसे बिठाते हैं ऐसे जैसे सुंडी बैठी हो उसके तो मुंह पर थोड़ा सा कुछ ऐसे हाथ लगाएंगे ऊपर को उठेगी वो तो ये अमेरिकन की पहले इसके अलावा चितबरी सुन्ंडी भी है फाराम वारम भी है वो एक बात का टॉपिक है इन वो बाद में इन आपको जितना मुमकिन हुआ गाइड करूँगा अभी तो इन शाह तला सुबह जैसे इसको मटी लगवाएंगे तो हम देखेंगे इसको और इस स्टेज पे से से इसको बहुत नुकसान करने के लिए तुले हुई होती है तो हम उसका भी तदारक करने के लिए कुछ करेंगे या बहर-बहर जाल देंगे या कुछ उसको हम देखेंगे तो ये देखें बल्कि यहाँ पे से ये घूम रही है जिसके निशानात आ रहे होते हैं आपको आपने देख लिया होगा आ। तो फार्मिंग टिप्स ए टी एफ टी की कोशिश है जो भी हमारी डेली की एक्टि, एक्टिविटी है वो हम आपसे इन शेयर करेंगे आ, नेक्स्ट हमारा ये दो एकड़ा और तैयार है इस पर प्लान बन रहा है कि क्या कास्ट किया जाए इनशाला तला कुछ पनीरियाँ भी हम लगा रहे हैं पनीरी लगाने का तरीका भी हम आपको बताएँगे इन श तो इस तरह की अगर कमाल वीडियो जो हमारे प्रैक्टिकल की वीडियोज़ हैं अगर वो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जो है ना सब्सक्राइब करके इसका वीडियोस देख सकते हैं जो हमारा प्रैक्टिकल है क्योंकि हम खुद बजात खुद एक प्रैक्टिकल फार्मर है अलहमदिल्ला जो प्रैक्टिकल होगा हम आपसे इन शेयर करेंगे इन तरह टाइम मिल गया तो नेक्स्ट आपको जो हमारी देसी लगी हुई है वो भी मैं आपको शेयर करूँगा इन शी देसी के हक़ में बेशक मैं नहीं हूँ उसके अलावा जो है न जो एक दिन वाली वरायटी है वो भी आपसे शेयर करूँगा बंद गोभी की वैरायटी भी आपसे इनशाला शेयर करूँगा तो तब तक के लिए अपना और अपने ख्याल रखिए अमांटल फार्मिंग टिप्स एक बार फिर आपसे ज्यादा से ज्यादा अल्लाह हाफि